तो भाई यही वाला जो वो पहला कुआं था जो गल्फ में मिला था। तो भाई अभी हम आए हैं एक ऑयल वेल के ठीक सामने, हमने मंगाया है कोई एक सामने शॉप। तो यहाँ ये हमारी बोट आ गई है सामने जो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ एक नए देश बहरीन में, और पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा ये देश, छोटा सा देश है, अराउंड 60 किलोमीटर्स की इसकी पूरी बाउंड्री में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपको घुमाऊंगा कहाँ कहाँ खाने की जगहें हैं, घूमने की जगहें हैं। तो चलिए देखते हैं एक नया देश। तो अभी हम खड़े हैं बे एरिया में, यहाँ पे काफ़ी होटल्स और बिजनेस सेंटर्स हैं। सी साइड यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके पास में एक मॉल भी है, तो वहीं आपको घुमाते हैं। तो कुछ ऐसा ये एरिया दिखता है, देखिए साइड में अंदर सी का पानी आया हुआ है। छोटे छोटे बोट्स वगैरह पे यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, और रेस्टोरेंट साइडों पे यहाँ पे बहुत सारे हैं, और आप यहाँ पे ले सकते हैं बोट राइड जो कि 3 BD अराउंड 600 रुपीज़ की होती है, जो आपको 10 से 15 मिनट घुमाएगी, पूरा एक राउंड घुमा के आएगी। और हमारे होटल से हमको 1 BD अराउंड 200 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट मिली, जो हमको एवेन्यूज मॉल छोड़ेगी, तो हम वहीं जा रहे हैं बोट राइड में। तो यहाँ ये हमारी बोट आ गई है सामने जो खड़ी है, यही बोट हम लेने वाले हैं। तो भाई हमारी बोट राइड शुरू हो चुकी है। तो भाई अब हम आ गए हैं यहाँ के फेमस मॉल एवेन्यूज में। ये बे एरिया के ही साइड में एक मॉल है, तो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। इंडिया से काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं, टिम हॉर्टन्स यहाँ पे, अंकल ओसाका और हाउस बोट, और काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरा और बहुत बड़ा मॉल है ये। तो भाई लंच हमने मंगवा लिया है, और हमने मंगाया है कोई एक सामने शॉप है यसलाम करके, ये यसलाम बहरीनी चेन है, फलाफल और शवरमा देती है। तो हमने एक शवरमा मंगवाया है और एक फलाफल, और साथ में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। तो देखते हैं कैसा रहता है खाके। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में। अभी भी हैं हम बहरीन में, और अभी हमें बहरीन के एक बहुत टूरिस्टी इलाके में जिसका नाम है अल जुफैर, यहीं पे हमने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, और अभी हम जा रहे हैं जुफैर बीच में, और जुफैर में कहीं घूमेंगे, कल दूसरी जगह जाएंगे, तो आपको पूरा दिखाते हैं कैसा रहता है। थोड़ा एरिया देख लीजिए आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 1 BHK अपार्टमेंट, 2 BHK अपार्टमेंट्स यहाँ आराम से आपको मिल जाएंगे। काफ़ी पीसफुल सा इलाका है, अच्छा, और सीधा रोड जाएगा जुफैर की तरफ। तो भाई बीच की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ ऐसा रास्ता यहाँ से जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी दुबई की तरह लगता है ये। तो भाई ऐसा कुछ जुफैर बीच का एरिया है, पीछे पूरा समुंदर है, शाम हो गई है, लोग यहीं पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ग्रिल बहुत फेमस है, तो अलग अलग ग्रिल की शॉप, तंदूर ग्रिल, चिकन ग्रिल, फिश ग्रिल और मटन ग्रिल की शॉप्स वगैरह हैं, और लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके यहीं पे शाम को एंजॉय करते हैं। कहाँ है? तो भाई मैं आया हूँ यहाँ पे लुलू मॉल में, लुलू मॉल का ऊपर यहाँ पे फूड कोर्ट है, कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी अच्छा छोटा सा मॉल है, ग्रोसरी स्टोर बहुत बड़ा है, और यहाँ पे प्ले एरिया है, कुछ किड्स प्ले एरिया, और ये फूड कोर्ट। अभी हम आए हैं जुफैर स्क्वायर में, अभी सामने आप देख सकते हैं जुफैर मॉल है, वहाँ पे लुलू हाइपरमार्ट है जहाँ पे हमने डिनर किया, अभी उसी के सामने जुफैर स्क्वायर है, कुछ ईटरीज यहाँ, श्रिम्प नेशन और TGI फ्राइडे भी है, और कई अमेरिकन ईटरीज हैं, चिलीज भी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। सामने ही हमारा यहाँ से होटल है, और उस तरफ को ही हम वॉक करेंगे। Thank you.
बाबल वहरीन में ओल्ड पनामा, यहाँ पे ओल्ड स्ट्रीट है, बहुत पुरानी तरह से ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। यहाँ पीछे हजीज कैफे में आज हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पीछे पूरा आउटडोर सिटिंग है हजीज कैफे का, जहाँ पे आज हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसा रहता है। तो भाई यहाँ पे ऐसी आउटडोर सीटिंग भी है और इंडोर भी है, फैमिली के लिए अलग रूम है। तो भाई हम बैठ गए हैं इस ट्रेडिशनल कैफे में अंदर, और मेन्यू कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी नॉमिनल प्राइस्ड है, और हमने वेजिटेबल और एग्स मंगाए हैं। तो हमने यहाँ पे मंगा लिए हैं मिक्स वेजिटेबल और कुछ एग और सैलेड, और ये रोटी आई है इसके साथ। और हमने यहाँ पे मंगा लिया है एग भुर्जी मिक्स वेजिटेबल और रोटी मंगाई है इसके साथ। तो देखते हैं कैसे ट्रेडिशनल वे में सर्व होता है, बहुत फेमस है इधर का ओल्ड बहरीन में हाजी कैफे। तो भाई यहाँ पे हमने मंगा लिया है मिक्स वेजिटेबल। ये यहाँ का ऑयल म्यूज़ियम है, पूरे मिडल ईस्ट में पहली यही जगह है, यही वो जगह है जहाँ पे पहली बार ऑयल पाया गया था। और यहाँ पे एक ऑयल म्यूज़ियम था जहाँ पे उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स वगैरह डिस्प्ले किए हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हम इंटरनेशनल सर्किट गए, वो भी वहाँ पे कोई रेस हो रही थी तो अंदर नहीं घुसने दिया, और यहाँ पे भी एक क्लोज पड़ा है। बट यही सामने वो एक ड्रिलिंग स्टेशन आप देख सकते हैं, वही सुपरिटेंडेंट का स्टेशन था जहाँ से वो बैठता था, और फर्स्ट टाइम यहीं पे ऑयल पाया गया था आपको। और मैं आप वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे कई सारे ऑयल वेल्स आप देख सकते हैं, ये ऑपरेशनल ऑयल वेल्स हैं। और बाप को जो यहाँ की पेट्रोलियम कंपनी है उसके ऑफिसर्स हैं मैं यहाँ पर। ये देखिए सारे ऑयल वेल्स इक्विपमेंट वगैरह डिस्प्ले किए हैं। तो भाई यही वाला जो वो पहला कुआं था जो गल्फ में मिला था ऑयल का, और 1931 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, अराउंड 400 बैरल्स पर आर फ्लोरेट वगैरह भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो भाई यहीं से शुरुआत हुई इनकी अमीरी की, और ये इतने रिच हो गए ऑयल की डिस्कवरी के बाद। ये पूरा रीजन है जहाँ पे ऑयल ही ऑयल है और पंपिंग सिस्टम वगैरह है। तो दोस्तों अभी हम हैं मनामा से आधा घंटा दूर, एक ट्री ऑफ लाइफ है, ये एक पेड़ है जो रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ है, बोलते हैं कि ये 1000 साल पुराना पेड़ है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं अलग अलग आपको टेंट्स दिखेंगे जहाँ पे ग्रिल वगैरह और खाने पीने की चीज़ें आइसक्रीम्स वगैरह मिलती हैं, और आप इनको रेंट आउट भी कर सकते हो। तो पूरे एरिया में ऐसे ही टेंट्स कैंप्स टाइप हैं जो रेंट आउट कर सकते हो आप, यहाँ पे लोकल लोग आते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए। और कुछ इस तरह से ये आपका पेड़ दिखता है, काफ़ी बड़ा पेड़ है, काफ़ी अलग सा पेड़ है ये जो रेगिस्तान के बीचों बीच बना है। आई थिंक अभी भी ये इसको पानी वगैरह देते हैं, काफ़ी लंबी ब्रांचेस हैं, काफ़ी डिफरेंट तरीके का पेड़ है, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है, नीचे के पूरे ब्रांचेस आए हुए हैं इसके, ये ऐसा कुछ दिखता है पेड़। तो भाई अभी हम आए हैं एक ऑयल वेल के ठीक सामने, यहाँ पे ड्रिलिंग चल रही है लाइव। ये देखिए लुफ्किन की कोई ऑयल पंप है, यहाँ पे एक छोटी सी मोटर लगी हुई है और ये लंबे कुएं से ड्रिलिंग चालू है। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारे कुएं हैं, यहाँ पे इस तरह से ड्रिलिंग चलती है। और यहीं पे रास्ते में ही था तो हमने रोक ली गाड़ी की, देखते हैं। ये देखिए यहाँ अंदर तक एक बहुत नीचे तक जाता है, ये क्रूड ऑयल निकलता है, और ये छोटी छोटी पाइपलाइंस जो आप देख रहे हैं इससे ट्रांसपोर्ट होके आगे चले जाता है। तो भाई ये सारा डिप्लोमेटिक एरिया है, किंग वगैरह यहीं रहते हैं, और यहाँ पूरी आर्मी वगैरह रखी हुई है, इसके अंदर पूरे बड़े बड़े पैलेसेस वगैरह हैं, पूरी ग्रीनरी रखी हुई है इन्होंने इस एरिया में बहुत अच्छे से।
तो दोस्तों अभी हम आए हैं अमवाज आइलैंड। ये एक समुंदर के साथ मिट्टी डाल के बनाया हुआ आइलैंड है। तो यहाँ पे बस ऐसी एक मार्केट कॉम्प्लेक्स टाइप है, बीच में हमारे सी आ रखा है और साइड पे काफ़ी अमेरिकन रेस्टोरेंट्स, शीशा के रेस्टोरेंट्स, कुछ मैच चल रहा है आप ऊपर, काफ़ी कमेंट्री वगैरह आ रही है, लगता है कि फुटबॉल मैच चल रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया, कैफेज़, थोड़ा हैंगआउट करने का बहुत पीसफुल सा एरिया है। ऊपर बिज किड्स का भी एरिया है और हाँ काफ़ी अच्छी फील है यहाँ की। नॉर्मल टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर है और नैंडोज चिकन भी है यहाँ पर। और बस यहाँ पे ऐसे ही हैंगआउट करते हैं। पीछे देखिए वहाँ पे एक मैच चल रहा है, हुक्का रेस्टोरेंट, शीशा रेस्टोरेंट यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो गाइज अभी मैं खड़ा हूँ जोफेयर के ऑइसेस मॉल में और पीछे आप सीधा देख सकते हैं पूरा वो स्काईलाइन है बहरीन की। सामने हमारे यहाँ की सबसे बड़ी मॉस्क है, ग्रैंड मॉस्क, और पीछे पूरे जोफेयर की बिल्डिंग्स। आज क्लाउडी है, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स है और काफ़ी बारिश भी हुई थी सुबह। ऐसा मौसम देखने को मिलता नहीं है, बस यही सुंदर सा वेदर है और सामने हमारे एक बड़ा स्क्वायर है, बढ़िया वेदर है। अभी हमारी फ़्लाइट है शाम को 10 बजे के अराउंड, तो हम सीधा यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे और मैं ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। देखते रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।